let it bang, bang. नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी नई वीडियो में। तो जैसा कि हमारा वेट लॉस डाइट प्लान का सीरीज का 4 दिन का डाइट प्लान मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके लिए डे 5 का डाइट प्लान। तो अपना जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो डाइट प्लान को नोट करिए और फॉलो करिए। तो आ जाते हैं हम अपने डे 5 के डाइट प्लान पर। तो जैसा पिछले 4 दिनों में हम लोग करते आ रहे थे कि अर्ली मॉर्निंग डेली एक्टिविटीज़ के बाद में ब्लैक कॉफ़ी या फिर हल्का गर्म नींबू पानी के साथ में हम लोग दिन की शुरुआत कर रहे थे, तो 5वें दिन भी वैसा ही करेंगे, उसी तरीके से शुरुआत करेंगे। उसके बाद में हम जो भी अपना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी के बाद में ब्रेकफास्ट में जो है आप 5वें दिन आपके लिए रखा है सूजी ऑनियन डोसा। तो सूजी ऑनियन डोसा क्या है, ये बहुत हेल्दी चीज़ है, आप ब्रेकफास्ट में लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसको आप तीन क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। तो 3 अगर आप सूजी डोसा लेते हैं तो उसमें आपको लगभग 350 कैलोरी 3 डोसा के अंदर में आपको मिलेगा। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि हमारा जो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के बीच में जो टाइम है उसमें आप क्या ले सकते हैं। उसमें आप जो है 10 रोस्टेड आलमंड्स, 10 भुने हुए बादाम आप लीजिए। इसमें आपको लगभग 80 के करीब कैलोरी मिलेगा और इससे क्या है, आपको जैसे बीच में अगर भूख लगता है तो वो भी आपको नहीं लगेगा। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हम जो है 10 भुने हुए बादाम ले लेंगे। इसके बाद में आ जाता है हमारा लंच। तो लंच में हम क्या है कि एज यूजुअल सलाद के साथ में शुरुआत करेंगे। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि सलाद का जो क्वांटिटी रखेंगे वो हमारा जितना वेट है जितने केजी वेट है इनटू 5 या 4 कर लीजिए। अगर आपका 100 केजी वेट है तो लगभग कम से कम आपको 400 से 500 ग्राम सलाद आपको लेना है। तो सलाद के बाद में वेजिटेबल, आजकल सर्दी का मौसम है तो वेजिटेबल बहुत सारा अवेलेबल है, तो आप मिक्स वेज बना के जो है ले सकते हैं। उसके साथ में आप 3 रोटी लीजिए और दही लीजिए। तो ये जो आपका लंच ऑप्शन जो रहेगा लगभग 500 कैलोरी के करीब का रहेगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं इवनिंग स्नैक्स पर। इवनिंग स्नैक्स में आप जो है रोस्टेड चना और पीनट, यानी भुने हुए चने और मूंगफली थोड़ा सा लीजिए, लगभग 50 ग्राम के करीब लीजिए। आप उससे ज़्यादा ना लें, नहीं तो उसमें आपका कैलोरी जो है कैलोरी काउंट बढ़ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डिनर ऑप्शन की तरफ। तो डिनर जो है हमारा क्या है, डिनर सबसे हल्का मील होना चाहिए डिनर। और डिनर जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपना डिनर जो है सोने से लगभग 2 घंटे पहले आप अपना डिनर ले लें, जिससे आप डिनर के बाद में जो है आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपना कर पाएँ, घूम पाएँ, शाम को इवनिंग वॉक करें खाने के बाद में। तो डिनर में क्या है, सलाद है, सलाद के साथ में आप 2 रोटी लीजिए, साथ में आप काबुली चना ले सकते हैं, ये हाई प्रोटीन है। तो ये तीनों चीज़ का आपका लगभग 350 करीब कैलोरी हो जाएगा। तो हम टोटल कैलोरी काउंट अगर करेंगे तो 350 प्लस 80, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 1400 कैलोरी का आपका डे का पूरा डाइट प्लान है। डे 5 का 1400 कैलोरी के लगभग डाइट प्लान आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। मगर एक चीज़ ध्यान रखें कि डाइट प्लान के साथ में अपना फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखें, क्योंकि विदाउट फिजिकल एक्टिविटी वेट लॉस जल्दी से नहीं हो पाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी अपना करते रहें, मॉर्निंग वॉक से शुरुआत करें,
उसके बाद में पेस मॉर्निंग वॉक करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप रनिंग ना करें, अन्यथा आपको घुटनों के दर्द की शिकायत और भी कई परेशानियां हो सकती हैं। तो पहले अपना वेट थोड़ा सा कम करें, उसके बाद रनिंग करने की शुरुआत करें। तो ये था हमारा पांचवें दिन का डाइट प्लान, 1400 कैलोरी का। पिछले चार दिन का डाइट प्लान मैंने आपके साथ में पहले बताया है, ये पांचवें दिन का डाइट प्लान है। जैसा जो भी मैं डाइट प्लान आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का डाइट प्लान है और एकदम घर के खाने वाला डाइट प्लान है। जब मैं अपने लिए वेट लॉस कर रहा था, तब मैं देख रहा था बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मैंने सर्च किया डाइट प्लान के लिए, तो कोई भी ऐसा डाइट प्लान नहीं मिला कि जो प्रैक्टिकल हो, कि जिसको नॉर्मल आदमी कोई फॉलो कर सके कि ये डाइट प्लान है, अगर हम इसको 2-4 महीने तक फॉलो कर पाए, तो ऐसा कोई डाइट प्लान नहीं मिला। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये 7 दिन के लिए अलग अलग डाइट प्लान मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो ये पांचवें दिन का डाइट प्लान यहीं पर खत्म होता है, और आप मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें।